हैं आपको खबर देंगे। कराची में न्यू चौली के करीब इमारत में आग लग गई। आग के बाइस एक शख्स ने इमारत से छलांग लगा दी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे बिलाल खान से। जी बिलाल खान, छलांग लगाने वाले शख्स की हालत कैसी है और इमारत में मजीद कितने अफराद मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए न्यू चौली के करीब एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड उताप को वाकई देखा भी थी। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां जुदाई तौर पर मकाम पर पहुंची और पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान इमारत के दफ्तर में मौजूद शख्स की जानिब से इमारत की पहली मंजिल से जो है वो छलांग लगाई गई, जिसे दक्षिण अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस काम अभी तमाम कर वाकई के बाद पहुंच चुकी है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड काम की जानिब से ये बताया गया है कि तमाम कर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, जबकि आग जो है वो दूसरी मंजिल पर बने दफ्तर में लगी थी। बरवक्त पहुंच कर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया, जबकि इमारत में हंगामे इलाज के रास्ते या धुआं निकलने की जगह नहीं थी। जो लोग इमारत में फंसे थे उन्हें फौरी तौर पर निकाल दिया गया, जबकि आज को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा चुका है। अब जो है पुलिस का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा बिलाल, एक और खबर के हवाले से आगाह करते चलेगा। बोर्ड बेसन पुलिस और एवीएलसी ने मीरपुर खास में मुश्तरका कार्रवाई में क्लिफ्टन से चोरी सरकारी गाड़ी बरामद कर ली है। इस हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड बेसन पुलिस का एवीएलसी का उमरा मीरपुर खास के मकाम पर छापा मारा गया है। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 से चोरी होने वाली सरकारी गाड़ी बरामद कर ली गई है, जबकि कार्रवाई के दौरान कार चोरी में मुलविस दो मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री कृष्ण माजा परवीन की जानब से बताया गया है कि कार कृष्ण के मारूफ शॉपिंग मॉल की पार्किंग से चोरी हुई थी। गाड़ी सिंध हुकूमत के महकमे MSDP के चीफ इंजीनियर की थी और शक की बुनियाद पर पहले कार के प्राइवेट ड्राइवर रियाज को हिरासत कर लिया था। तफ्तीश से ड्राइवर ने खुद कार चोरी करवाने का इंतजाम किया और मुजरिम से तफ्तीश के बाद पुलिस पार्टी तश्ख दी गई और चंद घंटों के अंदर ही मीरपुर खास में कामयाब कार्रवाई की गई और कार चोरी करके ले जाने वाले मुजरिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी कार चोरी में मुलविस दोनों मुजरमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है और मुजरमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करे थे मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।